से आ गया मेट्रो पे, देख लो जल्दी से, उससे पहले कोई मना कर दे। देखते हैं कोई बोलता है नहीं बोलता है। लेफ्ट साइड में मेरी ट्रेन आएगी, तो आई हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। दिस इज हाउ इट लुक्स। आएगी तो रिकॉर्ड करूँगा, फिर दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट कैसा है कैसा नहीं है। वेट करते हैं बाकी मेट्रो आने का। भाई देख लो ऐसा ही है, मतलब पूरे कजाकिस्तान में भी, रशिया में भी, और जितने भी सूबे तुरे ना ऑलमोस्ट एक ही तरह का फॉलो करती है स्ट्रक्चर। और ये पूरा मेट्रो मैप है। ये जो आने वाली इसी में मेट्रो है, भीड़ होगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है। यहाँ से सीट भी लेना पड़ेगा मेरे को। ये जो स्टेशन दिख रहा है ना है जी एसलानो, ये लास्ट स्टेशन है, तो इसी बीच में उतरूँगा उससे पहले ही, जहाँ पे ओल्ड बापू सिटी पूरा है वहाँ पे, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद से लोटस मॉल जो है वो दिखा दूँगा, और एक दो चीज़ें और भी हैं वो भी कवर कर लूँगा। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट जहाँ मुझे जाना है। ये इनका सिंबल है येलो ब्लू रेड एंड ग्रीन। ये नई वाली है, इससे पुरानी वाली भी है, तो उसमें भी आप वो कर सकते हो। ये एंड है, लंबा रूट है। अब वेट करता हूँ, एग्जिट करूँगा तो फिर बाकी आगे दिखाऊंगा। ये जो अभी मेट्रो देख रहा हूँ ना, मैं घूमूंगा। एक ये है और इधर ये है, ये पुरानी वाली है, इससे पहले जो मैं गया था ना वो नई वाली थी। तो ये दो ही चल रही है, सिर्फ और कुछ नहीं है, दोनों में सेम है। इसमें वुडन फ्लोरिंग है और फर्नीचर यूज़ किया है वुडन का पूरा मेट्रो बनाने के लिए, और जो नई वाली है उसमें पूरा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। तो बाहर निकलता हूँ मैं, वो भी दिखा दूँगा अभी यहाँ का कैसा है। लास्ट स्टेशन मेरा है इकारी करके दिया हुआ लास्ट, इनका प्रोनाउंसिएशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं मैप में दिखा दूँगा आपको ये किस जगह पर है। यहाँ से आपका ओल्ड सिटी जो है, ओल्ड बापू सिटी, वो पास में है, और जो मॉल है वो जो है दोनों एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये शहर ही शहर। तो ये है लास्ट फेरी मेट्रो जो चल रही है फिलहाल। एग्जिट वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ खास नहीं है। इसमें हाइट बहुत ज़्यादा है, देखना जो एस्केलेटर्स हैं मोस्टली जितने भी मेट्रो हैं सबके हाइट बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे लड़के लोग का वही हाल है जैसे इंडिया में है, मतलब ज़्यादा उतना वो अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है नॉर्मल है, बट लड़के लोग का ज़्यादा हो रखा है, बिना मेकअप वेकअप के और अच्छा बने हुए नहीं निकलते। देख लो ये हाइट है, हाइट बहुत लंबी है भाई। इसमें डेप्थ सब में ऑलमोस्ट सिमिलर डेप्थ है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। एक ही तो स्टेशन है जो कम डीप है, बाकी इन्हें तो सब में अच्छा खासा दिया हुआ है। और ये मोस्टली आप जितने भी यूएसएस के पहले कंट्रीज है उसमें सब में मिलेगा आपको। तो चलता हूँ, बाहर निकलने के बाद दिखाता हूँ कहाँ पहुँच रहा हूँ कहाँ पर नहीं है। ओल्ड सिटी है और मॉल है, या तो पहले मॉल में घूम लूँगा उसके बाद या तो ओल्ड सिटी, दोनों में से कोई एक कर लूँ, देखते हैं। तो भाई ये रहा लास्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं निकला हूँ, इसी शहर के नाम से है। और अभी अगर आपको दिख पाए तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी पूरा जितना भी है ना ये ओल्ड बाकू है वही जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। और इसके बाद एक मैदान टावर है, ये वॉल देख लो शुरू हो चुकी है। चलते हैं मैदान टावर की तरफ, वो थोड़ा सा मेन है इसमें ओल्ड सिटी में, वहाँ पर थोड़ा एरिया अच्छा है। यहाँ पे एक दिन मैंने वीडियो देखे थे तो कुछ लोग की यहाँ पे सेरेमनी चल रही थी कॉलेज की, फिर दिखाऊंगा अगर होगी तो, किस्मत होगी तो मिलेगा जरूर। फिर ये पूरा बगल में कैफे भी है, ज़्यादा थक गए हो भाई, अगर आप बैठो पैसा खर्चा करो एंजॉय करो पूरा फुल ऑन। ये सामने फाउंटेन वगैरह दिख रहा है ना, यहीं पर था सेरेमनी वगैरह, बट आज कोई भी नहीं है। गैदरिंग वैदरिंग यहाँ पर अच्छी थी बट अभी कोई भी नहीं है, सन्नाटा। टीनेजर्स थे, और यहाँ पर देखो मैरिज एक शूट हो रहा है शादी का, देखो अच्छा लग रहा है ना। ये बॉल का काम चल रहा है भाई,
खराब होती जा रही है तो सही भी करना है ना, कुछ ऐसा है। ऊपर दिख रहे हैं फ्लेम टावर्स, यहाँ पे एक मिनी वेनिस भी है, वो भी दिखाऊंगा। अभी जो है ये पूरा ओल्ड बापू जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मिनी वेनिस, फिर उसके बाद मैं ले चलूँगा फ्लेम टावर्स पे, एंड उसके बाद लास्ट में ले जाऊँगा सीधे मैं आपको वो मॉल में, जो आपको मॉल में दिखा रहा था। आई थिंक ये वाली लेन है, इसे चलता हूँ मैं, क्योंकि ये वॉल दिख रही है ना, ये पुरानी वॉल जितनी भी है। इतनी धूप में भाई देखो पियानो बजा रहा है, और एक क्लॉक। अंदर चलूंगा ना, जो मैदान टावर है वो दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा हिस्टोरिक है, और ये तो वॉल है सिर्फ, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अंदर पहुंचेंगे तो पूरी सिटी है, ओल्ड बापू सिटी, अब इसके आसपास में पूरा नया शहर बस गया है, उसी की पूरी वॉल खड़ी है। और स्टेशन पे कहीं ना कहीं कैफ़े बने हुए हैं भाई, मन तो बड़ा करता है कि यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, कितना ही खर्चा करेंगे, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर और अच्छी है कि चाहे जितनी भी धूप हो लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, मस्त, कोई मतलब नहीं बनता। 30 डिग्री टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री टेम्परेचर टच हो चुका है, बट हवा एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। इसी के अंदर तो किसी ने घर भी बना रखा है भाई, गजब आर्किटेक्चर देख लो भाई, एक नंबर है। थोड़ा सा आपको लंदन का भी फील मिलेगा, कुछ स्ट्रक्चर्स वैसे भी हैं, ऑब्वियस है वो यूरोप में सब में है, तो मिलेगा ही मिलेगा थोड़ा थोड़ा हर जगह पे, लंदन बोल लो यूरोप बोल लो। थोड़ी सी चीज़ें नोटिस करो, कितनी चीज़ें वेल मेंटेन है, तब अपने इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है, बट वही चीज़ें ना यार लगे बनने के बाद सोचता ना जो ख़राब होता है। अभी मैंने दिल्ली में देखा, जो फिलहाल लाजपत एरिया, लाजपत नगर है, उसका एरिया थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया है, जो वॉकवेज हैं साइड पाथ दिया हुआ है पेडेस्ट्रियन के लिए, वो थोड़ा बहुत सही किया है, अच्छा है वो। और अभी फ़िलहाल एक दो जगहों पे और रेनोवेट किया हुआ है, वो भी अच्छा है देखने में, कुछ मॉडर्न स्टाइल पे किया हुआ है। ये देखो अभी यहाँ पे ये मॉडर्न बसिंग की है, किसिंग चल रही है भाई यहाँ पे, देख लो ये सामने दिख रहा है ना, यही है मॉल, ये वाला मॉल जो है वो लोटस मॉल है। पुलिस वालों की बाइक है BMW, ऑडी, ऑडी तो नहीं है, BMW चल रही है। अब ये जाएगा पूरा का पूरा साइड में होते हुए मैदान टावर की तरफ, यही जाएगा रास्ता, बाकी अंडर पास लेके उधर जाना पड़ेगा मॉल के लिए। अगर आपको जाना है तो वो सामने दिख रहा है मॉल, बाकी फिर राउंड मारूंगा दोबारा तो पहुंचूंगा सीधे फ्लेम टावर के पास में, तो फ्लेम टावर आएंगे। होटल ग्रीसी, होटल की एंट्रेंस है ग्रीसी मोस्टली, यहाँ पे मतलब है एंट्रेंस। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको ड्रेसिंग में कल्चर बस वाइट ब्लैक, वाइट और ब्लैक, इवन पूरे सेंट्रल एशिया में आप जाओगे तो ब्लैक वाइट यही प्रेफरेंस है। गाड़ियाँ भी मोस्टली यही कलर की मिलेंगी, और क्लोथिंग तो वही है, सबके सब ऐसे ही पहनते हैं, कोई नहीं है, सिर्फ ब्लैक वाइट और पीच और क्रीम कलर, ये बहुत रेयर है, बट ब्लैक वाइट बहुत ज़्यादा है किसी भी इसमें चले जाओगे तो। सफाई देख रहे हो भाई, हर जगह पर डस्टबिन रखा हुआ है, कहीं भी कूड़ा नहीं है, खुद को भी भाई देखने में अच्छा लगता है यार कि साफ इतना है, अंदर तो अलग ही फीलिंग आती है, बट क्या ही बताएं। देखो भाई ने क्या खाया, क्या पिया, क्या थूका, डस्टबिन में ला के फेंक दिया, इधर उधर फेंकेंगे तो भाई गंदा ही होगा ना, थोड़ा बहुत तो अपने को भी ध्यान देना होगा। ये गाड़ियाँ भाई देख लो, होंडा की मर्सिडीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और BMW और मर्सिडीज बहुत मिलेंगी। एक ये रही ऑडी, ये तुम्हारी उसके लिए टैक्सी, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है भाई। ये है बस मॉडर्न वाली, BMC के ब्रांडिंग पे चल रही है, BMC कोई कंपनी उसने बनाया है। मर्सिडीज़ देख रहे हो आपके पास में कौन कौन सी है, और एक किया का मॉडल लग रहा है, LI करके कोई कंपनी है उसकी गाड़ी है, नॉट किया। ये क्लोथिंग अच्छी लग रही है, ब्लैक वाइट। पहुँचता हूँ मैदान टावर के पास में, फिर आगे रिकॉर्ड करूँगा, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी आप टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो, देख लो उस पर स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है, आप एयरपोर्ट पर अपना टैक्स जो है रिक्लेम कर सकते हो। सो बापू में भी कहीं कहीं पर शॉप पे जहाँ पर टैक्स फ्री का टैग लगाया हुआ, वहाँ से परचेज करके टैक्स फ्री शॉपिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बापू में आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। नज़ारा देख लो भाई आसपास का,
लिनन फैब्रिक, लिनन भाई हमारा फैब्रिक है, इंडिया का है, और यूरोपियन कल्चर में सबसे ज़्यादा लिनन पसंद करते हैं। यहाँ पे जो वो पुरानी बसें हैं ना, वो इसुज़ू की हैं, इसुज़ू की चलती हैं। किया भी यहाँ पे अवेलेबल है, और ये वैन देखो कैसी है, और ये रहा मैदान टावर, ये आसपास का है पूरा, और सामने की तरफ है फ्लेम टावर्स। तो मैं यहाँ से क्रॉस करके जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ से अंडर पास दिया हुआ है, इधर ही जाऊँगा फ्लेम टावर पे, उस पास सीधे पहुँच जाऊँगा मॉस्क के पास, लोटस के पास, फिर घूमते हुए वापस निकल जाऊँगा घर की तरफ। यही है भाई मैदान टावर। एक फ़ोटो हो चुकी है, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या है क्या नहीं है। जी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर की एंट्री मिलेगी तो अच्छा है, देखते हैं ऊपर भी देखने के कुछ मिलना चाहिए। पीछे फ्लेम टावर्स भी दिख रहे हैं, चल लेंगे उधर भी। ये है प्रोमिनेंट होटल बाकू का रास्ता, लेफ्ट में दिया हुआ है, इसकी एंट्री दी हुई है, अंदर जाना अलाउड है नहीं अलाउड है पता नहीं, टिकट काउंटर है अंदर जाने के लिए। I'm working through the Prometheus Center. Yes, it's my work. Okay. This old city map. Mm-hmm. Now we are located in Maidan Tower. Okay. And this famous place inside old city, for example, Shirvanshah Palace, Double Gates, mm-hmm. and different places. It is all in the old Baku city, right? Yeah. This is all the area of the old Baku city. Yeah. Okay. So which one is the most important? Like this one is first Maidan Tower. Yeah. And the next, which is the most important monument most over important here places? In this old city? For ancient mosque. If you go in this way, you see mm-hmm. for ancient mosque. What is the seven name? Beautiful spot of Jumma Mosque. Okay. Muhammad Mosque, mm-hmm. many mosques in different places. Okay. After this. Yeah. This is the, I think, famous one. Yeah, this way. Yeah. Maidan Tower. Okay. You're a blogger or? Yeah, I'm doing blogging. Recently, I started my channel. You have Instagram? Yeah. YouTube? Okay, it was nice meeting to you guys. Stay my bye friends. Bye. Bye, brother. आपसे भी अच्छा लगा, अलविदा अलविदा। सो इसकी एंट्री फीस है 15 manat, तो अगर जिसको जाना हो वो जा सकता है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गो। और ये पीछे जो बंदे थे, इनका ये काम कर रहे हैं किसी टूर कंपनी के लिए, सीधे को एडल्ट्स के लिए लिखा हुआ है 15 manat, तो यहाँ से आप टिकट काउंटर से ले सकते हो फॉरनर्स के लिए। दिस इज़ फॉर फॉरनर्स, दिस इज़ फॉर सिटीजन्स ऑफ अज़रबैजान। भाई बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का, वही अपने इंडिया में भी है भाई, डबल डबल लेते हैं 100 रुपये 200 रुपये की एंट्री में, सीधे 1500-1000 रुपये का डिफरेंस है। अभी जा रहा हूँ मैं, एक मिनीचर हाउस है, फ्री एंट्री है, वहाँ पे सारे मिनीचर बुक्स रखी हुई हैं, 350 मीटर की दूरी है यहाँ से। तो देख लो भाई यहाँ पे सारी शॉप्स लगी हुई हैं। ये कारपेट्स और क्लोथिंग ऊपर आ गई, देखो यहाँ पे गेम चल रहा है पुराना। इट्स अ काइंड ऑफ चेस। कुछ चीजें रखी हैं पुरानी, चलता हूँ मिनीचर बुक हाउस पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे देखूँगा। वहाँ पे वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट मिनीचर्स रखे हुए हैं बुक्स की, कुरान भी रखी है और इंडियन बुक्स भी हैं, तो वहाँ पे चलते हैं सीधे। ये कुछ नियर बाई एरिया पूरा, किसी को ये लेनी है गाड़ी तो अब ले सकते हो भाई। सो मेन्यूस, पेंडेंट, ड्रेसेस, सामने रहा फ्लेम टावर, अभी स्ट्रेट अवे जाऊँगा सीधे फ्लेम टावर्स पे, और ये आई थिंक मॉस्क है, मस्जिदी है, क्यूमा मस्जिदी। नीचे टाइल्स दिख रही है, सेम पूरे यूरोप में ऐसे मिलेगा, जगह जगह पर टाइल्स ऐसी पड़ी रहेंगी, इसी पे गाड़ियाँ भी चलती हैं और लोग आते जाते भी हैं। एक ये भी है, अब ऊपर जाऊँ ना जाऊँ या इधर जाऊँ, ये पुरानी सोवियत यूनियन के टाइम की गाड़ी है।
सो यहाँ पे जो विंडो ऐड होगी, हर बिल्डिंग में विंडोज है नहीं, बाहर बालकनी बना रहे हैं। वुडन की सारी बालकनी जो बाहर निकली रहती है ना, यूरोपियन में आपने देखा होगा स्ट्रीट्स पे, हाउसेज में, जिनके कल्चर में है, बिल्डिंगों में होता नहीं तो तोड़वा के अलग से एक्सटेंशन कराते हैं ऐसे। बिल्ली को देखो, एक और बिल्ली हुंडई क्रेटा, उससे मिलता जुलता कुछ मॉडल है। नीचे किसी का घर है और ये सीढ़ी ऊपर जाने का दिया। ये लकड़ी दिख रही है एक्सटेंशन किया हुआ है बिल्डिंग से। भाई बहुत धूप है यार, हालत ख़राब हो गई यार सच में, पूरा दिन भर चल चल के घोड़े बेच के सोऊंगा रात में। अभी भी सामने जाना है। इसी जगह पे खासकर बिल्लियाँ बहुत हैं जगह जगह पे। एक ही बिल्ली सो रही है बेचारी, इसी में लोगों के घर भी हैं। मस्त लग रहा है ना। सो एक ये भी है, माई टूर के नाम से है। सो किसी को चाहिए होगा नंबर देख लो। इसमें आपके जो टूर्स हैं वो विदाउट टिकट और विदाउट लंच के भी हैं, और विद टिकट और लंच दोनों अवेलेबल हैं। सो यू कैन गेट इट अगर आपको चाहिए हो तो। आगे फ्लेम टावर से देख ही रहे हैं। सो ऐसे सारे टूर कंपनीज अपने अपने, ये मॉस्क है, मैं गया नहीं अंदर। सो अभी जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ क्या 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 है, नहीं क्या नहीं। धूप बहुत ज़्यादा है भाई, कसम से पागल हो गया हूँ। गलियाँ देख लो भाई कैसी हैं। मिनिएचर हाउस गूगल पे दिखा तो रहा है कि क्लोज है, बट देखते हैं। कुछ पुराने घर थे बंद पड़े हुए, मिनिएचर बुक हाउस, इट इज़ ओपन और क्लोज 11 बजे से 8 वर्किंग डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। अरे यार ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, आज मंडे है। ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 11 to 8 फ्री है। तो ये तो चलो फिर कभी आ जाऊँगा, देख लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई एम ड्रेस्ड अप। अब सीधे चलते हैं फ्लेम टावर्स पे, वही कवर करेंगे, उसके बाद लोटस मॉल जो है वो देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे घर पे वापस आने के लिए, नहीं तो आसपास का एरिया देखेंगे क्या है क्या नहीं। बैटरी हो गई ख़त्म, चेंज करना पड़ेगा बैटरी।